फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ दो दिन में सिर से लेकर पैर तक के शरीर की सभी बंदरसों को खोल देगा ये एक गिलास। इसे तैयार कैसे करना है, बस ये जान लीजिए। बंदरसों को खोलने के साथ साथ ये हड्डियों और जोड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। ये घरेलू उपाय इसके साथ ही खून को पतला करने का काम करता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, हार्ट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ गई है या फिर कोई इसके मतलब वेन्स में कोई दिक्कत आ गई है, हमारी नसों में कोई दिक्कत आ गई है उसको दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए तो बहुत लाभदायक है, यहाँ तक कि शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है तो याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही ये कम से कम 80 से 90 बीमारियों को ये दूर करने का काम करता है। ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस घरेलू नुस्खे को आपने घर पर ही तैयार करना है, सभी चीजें आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसका इस्तेमाल करना कैसे है, किस समय पर है, कितनी मात्रा में है, तो कोई साइड इफेक्ट के बिना इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है सौंफ। दोस्तों, सौंफ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी गुणों से भरी होती है, ये आपके दिल को स्वस्थ रखने का जबरदस्त काम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, इसके अलावा ये वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है, साथ ही यदि कहीं भी शरीर में सूजन आ गई है तो ये सूजन को कम करने का काम करती है, खाने को अच्छे से पचाने का काम करती है, एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो बस आप इसे खाना शुरू कर दीजिए, एक चम्मच खाना शुरू कर दीजिए, आप ये सभी समस्याओं को दूर कर देगी, आपका पाचन अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों, वो है कलौंजी। दोस्तों, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करती है, दिल से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, यदि हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करती है, इसके साथ ही ये याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है, यदि आपको कैल्शियम की कमी है, दांत बहुत ज्यादा टूटते हैं, नाखून कमजोर हो चुके हैं, थकावट ज्यादा रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तो ये रेमेडी कैल्शियम को पूरा करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये वजन को भी कंट्रोल में करती है, बढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी को मोम की तरह पिघला देती है, इतनी पावरफुल रेमेडी है। दोस्तों, ये विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करती है, खून को पतला करने का काम करती है। दोस्तों, ये कब्ज को भी दूर करती है, शरीर में यदि कहीं भी नसों में ब्लॉकेज है तो उसे भी ये पूरी तरह से खोल देती है। अगर हड्डियों से कटकट की आवाज आती है या फिर घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुकी है, जॉइंट में दर्द रहता है, यहाँ सभी समस्याओं को ये ठीक कर देगी। कुछ दिन आप इसे जरूर अजमाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। महीने में आप अगर आप इसने 15 दिन भी ले लिया, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन सेवन कर लिया, तो सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, इसके अंदर एक गिलास पानी डाल दीजिए, इसके अंदर आपने आधा चम्मच कलौंजी डाल देनी है और आधा चम्मच ही आपने सौंफ डाल देनी है, और इसको आपने रात भर के लिए ढककर ऐसे ही बर्तन में रख देना है। रात भर ढके रहेगा, इसका असर आ जाएगा, लेकिन सुबह ऐसे ही नहीं पीना दोस्तों, इसे सुबह आपने उबालना है। उबाल कर 3 से 4 मिनट के लिए इसे उबाल लीजिए सिम फ्लेम पर, उसके बाद आपने इस छान लेना है और इसका सेवन करना है, चाय की तरह पीना है। ये रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत सारी तकलीफों को ये दूर करती है। ठंड के दिनों में आप बिना किसी हिचकिचाहट के इसका सेवन कीजिए, और बॉडी में जो आपके ठंडक ज्यादा रहती है या हाथ पैर सोते हैं सुन्न रहते हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर आप इसको हल्का ठंडा करके शहद डाल सकते हैं, डायबिटीज है तो शहद बिल्कुल नहीं डालना, ये रेमेडी डायबिटीज वालों के लिए एक रामबाण औषधि है, लेकिन शहद के बिना। ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, इसलिए ये हाथों के सुन्नपन, हाथ पैरों में होने वाली झनझनाहट, टिंगलिंग जिसे कहा जाता है, उस समस्या को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देती है। ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।